दोस्तों, अगर आप जियो के नए रिटेलर हैं, सिम एक्टिवेशन वगैरह का काम अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिम एक्टिवेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए सिम एक्टिवेशन के लिए कौन सा सिम सही रहेगा। जी हाँ, ग्रीन सिम आपको ख़रीदना चाहिए या जियो का रेड सिम आपको ख़रीदना चाहिए सिम एक्टिवेशन के लिए। क्योंकि बहुत सारे रिटेलर भाइयों को इसके बारे में डिफरेंस पता नहीं है, ग्रीन सिम क्या होता है, रेड सिम क्या होता है, इसके कमीशन में क्या अंतर होता है, ये किन से रिटेलरों को मिलता है, कहाँ से मिलता है, इसके बारे में अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी 100 रुपए का कैशबैक कमाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा जिसका नाम है ग्रो ऐप। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आपके अकाउंट में 100 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे और 24 घंटे के बाद आप उस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो के ग्रीन सिम और रेड सिम के अंदर क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। तो सभी रिटेलर भाइयों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मार्केट में सिम एक्टिवेशन के लिए 2 सिम अवेलेबल होते हैं, ग्रीन और रेड। लेकिन इसमें से मोस्ट पॉपुलर जो सिम है सिम एक्टिवेशन के लिए यूज़ होने वाला और MNP के लिए यूज़ होने वाला, वो रेड है। सभी स्टेट और सभी सिटीज़ के अंदर आपको रेड सिम कसरत से देखने को मिलेगा। ग्रीन सिम भी आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीन सिम का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर जियो स्टोर पर होता है, और जियो स्टोर भी पर भी इसे सिम एक्टिवेशन या MNP के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। इसे यूज़ किया जाता है सिम स्वैप के लिए, क्योंकि इसके अंदर सिम स्वैप से रिलेटेड बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, इसलिए जियो स्टोर इसे सिम स्वैप के लिए यूज़ करता है। ग्रीन सिम का सिम एक्टिवेशन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि जो रेड कलर का जियो सिम आता है ये मोस्ट पॉपुलर है और सिम एक्टिवेशन के लिए यही बेस्ट होता है, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर सभी रिटेलर भाइयों को रेड सिम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, आप ग्रीन सिम भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिम एक्टिवेशन ही करना है, MNP ही करनी है, सिम स्वैप नहीं करना है, तो आप ग्रीन सिम मत लीजिएगा। अब इसके रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों सिम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। बहुत सारी स्टेट में 4-5 रुपये चार्ज भी किए जाते हैं एक सिम के लिए। आपकी स्टेट में एक सिम को ख़रीदने के लिए कितने रुपये आपको पे करने होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मेरी स्टेट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर बात करें सिम एक्टिवेशन के कमीशन की, तो दोनों ही सिम के अंदर सेम कमीशन एक रिटेलर को दिया जाता है। कितना कमीशन रिटेलर भाइयों को सिम एक्टिवेशन पर मिलता है, अगर आपको कहीं तक आपको नहीं पता है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर इसी तरीके की अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने सिम एक्टिवेशन कमीशन के बारे में आपको बता रखा है। अगर आप नए रिटेलर हैं, तो मेरा चैनल विजिट करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटे के बटन को दबा के रखिएगा, क्योंकि मैं आपको जियो सिम से रिलेटेड बहुत सारी अन्य डिटेल देता रहता हूँ। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।